कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात करी कि हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल, ठीक है, और ये सेंटर, और हमारा एक पार्टिकल वन पे है और फिर वो टू पे पहुंच गया। कोई बोलेगा रेडियस, तुम बोलोगे आर, और आर इस प्रोसेस में आर्क लेंथ कितना कवर हुआ, एस के इक्वल। और कल मैंने आपको बताया था एस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, हमें डिस्टेंस बोलना पड़ेगा, कारण ये आर्क ऐसे होती है, मतलब आर्क इज नॉट स्ट्रेट बट कर्व, इसको रेडियस, इसको एंगल बोलते हैं। मैंने बोला था अगर एंगल बड़ा होगा तो क्या होगा, अगर एंगल बड़ा होगा तो हम इसको एंगल बोलते हैं और ये स्केलर होगा, और इस केस में जो एस आता है उसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं और ये भी स्केलर होता है, क्लियर। और रिलेशन आता है एस इक्वल टू आर थीटा, ये हम अच्छे से जानते हैं, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। फिर एक बहुत डिफरेंट सा आर्टिकल आया जो आपने आज तक पढ़ा नहीं होता है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और वो आर्टिकल क्या चीज है, आर्टिकल है कि ये सर्कल है, अगर यहाँ पे एंगल बहुत ज्यादा छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो ये दो पॉइंट वन और टू होंगे ना, वो कर्व नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे। अगर स्ट्रेट होंगे तो हम बीएस को मान सकते हैं कि वो स्ट्रेट है, और अगर वो स्ट्रेट होगा तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं, और अगर तुम इसको डिस्प्लेसमेंट मानोगे तो हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। और जब सॉल्व करके निकालते हैं तो पता क्या आता है, इस बीएस वेक्टर में, डी थीटा वेक्टर में और आर वेक्टर में एक रिलेशन आता है ऐसे। अब ध्यान से देखो, अभी समझाता हूं कि कहां से आया। अगर हम इस वाले आर्टिकल, ऊपर वाले आर्टिकल के हिसाब से देखते हैं जो हमने आज तक पढ़ा, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन वी कंसीडर दैट आर इज जस्ट अ रेडियस। हमने कभी इसको वेक्टर नहीं बोला था, लेकिन अब बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूं। तो आप इमेजिन करो कि एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है। अब वो सर्कल पे कहां पे हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है बेटा, वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इमेजिन करो कि तुम सेंटर पे खड़े हो और अपनी फिंगर से पॉइंट आउट कर रहे हो पार्टिकल को। जब पार्टिकल यहां पे होगा तो पॉइंट आउट किधर करोगे, इधर को करोगे। जब यहां पे होगा तो किधर करोगे, इधर को करोगे। जब यहां पे होगा तो पॉइंट आउट कहां पे करोगे, पॉइंट आउट यू विल बी डूइंग अलोंग दिस डायरेक्शन। सो वन थिंग इज कॉमन ऑल द टाइम एंड दैट इज सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम है, और उसको हमने क्या नाम दिया, रेडियस नाम दिया। कहने का मतलब ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, मतलब पार्टिकल कहीं भी होगा लेकिन हम उसको रेडियस बोलेंगे, ये सब रेडियस है। लेकिन आपको पता है होगी तो रेडियस, लेकिन जब पार्टिकल यहां होगा उसका कुछ और मतलब है, जब पार्टिकल यहां होगा उसका कुछ और मतलब है। तो अगर हम पार्टिकल की एक्चुअल पोजिशन को बताना चाहें तो रेडियस से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि बेटा रेडियस तो सारी, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, लेकिन पार्टिकल का वन पे होना, टू पे होना, थ्री पे, फोर पे, इन सब का मतलब अलग है। व्हेन यू स्टैंड एट दिस पॉइंट एंड रिलेट पार्टिकल नंबर वन, तो अपनी फिंगर को ऐसे करते हो, तुम कहते हो सर वो ईस्ट डायरेक्शन में है, रफली बोल दिया मैंने। जब पार्टिकल थ्री को देखते हो तो तुम क्या बोलते हो, तुम बोलते हो इधर है। क्या वो सेम डायरेक्शन में है, वो सेम डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में अगर हम सिंपल रेडियस बोलते हैं तो बात नहीं बनती, तो रेडियस नहीं बोलना, हमने क्या बोलना है, पोजिशन वेक्टर। तो कोई हमसे बोलेगा पार्टिकल वन पे है, हम सेंटर से खड़े होकर देख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज आर वेक्टर, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वन, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सी। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, आर वेक्टर को क्या बोल दिया, पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब अब से आर क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, अब स्केलर नहीं रहेगा। डीएस को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऑब्वियस ही बात है, पार्टिकल यहां से वहां डिस्प्लेस हो गया, क्लियर हुआ बेटा। तो डी थीटा को हमें एंगुलर क्वांटिटी बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूं, लास्ट टाइम भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि डीएस वेक्टर इक्वल टू, हमें एक बात तो समझ में आ गया कि आर को वेक्टर बोलना पड़ेगा, और ये आ गया डी थीटा। अगर हमने, बेटा ध्यान से समझना, अगर हमने केवल ऐसे लिख के रखा जैसा हम लोग लिख रहे हैं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये होगा कि डीएस वेक्टर तो इधर है और आर वेक्टर किधर है, इधर है। अगर सच में हम डी थीटा को स्केलर अज्यूम करेंगे, अगर अज्यूम करेंगे तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन वो साफ साफ दिख रहा है वो सेम बिल्कुल नहीं है। आर वेक्टर तो इधर है और डीएस वेक्टर इधर है, मतलब इस रिलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसीलिए फिजिसिस्ट ने या मैथमेटिशियन ने मिलके डी थीटा को वेक्टर क्वांटिटी बोला। लास्ट टाइम मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पे डी थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ ऑल एंगुलर क्वांटिटीज, कल मैं बता रहा था आपको लेकिन दोबारा समझा रहा हूं कि शायद आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो गया हो। डायरेक्शन ऑफ ऑल एंगुलर क्वांटिटीज इज अलोंग एक्सिस, इज अलोंग एक्सिस ऑफ सर्कल।
जिस सर्कल पे पार्टिकल चल रहा है उसकी एक्सिस की तरफ होगा, और कल मैं आपको समझा रहा था एक्सिस वो लाइन है जो यहां से पास करेगी और इस सर्कल के परपेंडिकुलर होगी, मतलब तुम्हारी कॉपी जो दिख रही ना कॉपी, उस कॉपी पे परपेंडिकुलर होगी, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। इसका मतलब जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज आएंगी, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी क्वांटिटीज कहां पे होंगी, एक्सिस की तरफ होंगी। कितनी क्वांटिटी होंगी वो आपको ओवर अ पीरियड सब कुछ समझ में आ जाएगा, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट डी थीटा को स्केलर बोलना खतरनाक होगा, नहीं बोल सकते, तो हमें डी थीटा को क्या बोलना पड़ेगा, वेक्टर बोलना पड़ेगा, और जो हम ऐसा करेंगे तो ऐसे कर देंगे। अब एक बात तो क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे से समझ आता है, अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर हो, तो ऐसे वाले प्रोडक्ट को कम से कम डॉट प्रोडक्ट तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ये वाला रिलेशन आता है। अब हमने करना है चेक कि ये रिलेशन सही लिखा है कि गलत लिखा है, हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करोगे, मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं। बेटा ये सर्कल है, पार्टिकल यहां पे, सेंटर यहां पे, इसको बोलेंगे आर वेक्टर, आई थिंक क्लियर है। पार्टिकल यहां पहुंच गया, वन से चल के टू पे पहुंच गया, ये भी क्या चीज है, ये भी है आर वेक्टर, इसको हमने क्या बोला है, डीएस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान रखना अगर वन और टू ज्यादा दूर दूर होंगे तो ये स्ट्रेट नहीं होगा, ये कर्व होगा। सो वी आर कंसीडरिंग के वन और टू कहां पे है, बहुत पास है, तभी तो उसको डीएस बोल रहे हैं ना। डीएस जब भी बोलते हैं तो वो बहुत बहुत स्मॉल होता है, परफेक्ट हो गया। और ये डी थीटा है, ध्यान से देखें तो आर वेक्टर की डायरेक्शन हमें दिख रही है, दिख रहा है आर वेक्टर का डायरेक्शन राइट साइड में। अच्छा डी थीटा का डायरेक्शन किधर होगा, डी थीटा का डायरेक्शन होगा अपवर्ड। क्यों होगा अपवर्ड, क्योंकि ये एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। और डीएस का डायरेक्शन कहां पे होगा, दिख रहा है। एक काम करें हम लोग डी थीटा, सॉरी हम लोग आर क्रॉस डी थीटा की बात करें, आर क्रॉस डी थीटा की बात करें एक मिनट के लिए। बेटा आर किधर है, आर किधर है, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, आप याद करो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे तो हम ऐसे करते थे, इधर ए होगा और इधर बी होगा, किसी ने बोला कि ए क्रॉस बी निकालो तो तुम क्या करते थे, या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालो, तो कैसे निकालते थे, अपने राइट हैंड फिंगर्स को ए की तरफ करते थे और घुमाते किधर थे, घुमाते थे बी की तरफ, मतलब फिंगर्स को ए की तरफ करते थे और कर्ल कहां पे करते थे, बी की तरफ, थंब कहां पे आता था, ऊपर की तरफ, तो जो इसकी डायरेक्शन आएगी उसकी डायरेक्शन कहां पे आएगी, अपवर्ड। ये हमें निकालना आता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हम चेक करें, मैंने आपको रिलेशन बताया कौन सा, मैंने बोला डीएस इक्वल टू होगा आर क्रॉस डी थीटा, चेक करना है सही लिखा है कि गलत लिखा है, मे बी ये गलत लिखा हो, क्योंकि एक चीज तो क्लियर हो गई है। क्लियर क्या हुआ कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर आएगा। ये क्यों क्लियर हुआ, क्योंकि हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं कि आर को हमें वेक्टर बोलना चाहिए, डी थीटा को हमें वेक्टर बोलना चाहिए, और जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे वाले प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी भी वेक्टर आ रही है। So whenever two vectors are multiplied and resultant is a vector, then it is called cross product. Now cross product may have two different types. या तो ये r cross d theta हो सकता है या d theta cross r हो सकता है, हमें चेक करना है कि कौन सा सही है। उसके लिए हम लोग दोबारा डायग्राम बना रहे थे, हम लोग चेक करने कर रहे हैं इस वाले को। इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को कहां पे करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की तरफ। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, r वेक्टर। अपनी राइट हैंड फिंगर्स को, बेटा शर्माना मत, खुद करके अभी देखो, नहीं तो काम हो जाएगा खराब, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। पेन रखो साइड में, कॉपी रखो साइड में, अपनी राइट हैंड फिंगर्स को इधर को करो, कर लिया। अब इनको कर्ल करो किसकी तरफ, डी थीटा की तरफ। और बेटा डी थीटा किधर है, डी थीटा तो ऊपर है, मैंने आपको बताया जब भी कोई चीज ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगी ना तो अपनी फिंगर्स को सर्कल की तरफ घुमा के देखो, जब सर्कल की तरफ घुमाओगे तुम्हारा थंब कहां पे आएगा, तुम्हारा थंब आएगा ऊपर की तरफ, वो बताएगा इसके एक्सिस की डायरेक्शन को, इसका एक्सिस कहां पे होगा, ऊपर की तरफ। तो डी थीटा कहां पे डायरेक्टेड होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। चल लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था ये टॉपिक बिल्कुल न्यू है, एंगुलर क्वांटिटी समझ में थोड़ा रुक के आती है, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना, रोटेशन पढ़ते हैं तब पूरी तरह से क्लियर होता है हमें। तो अभी आप मान लो कि सर ने बताया कि जब चीजें ऐसे घूमती हैं तो एक्सिस कहां पे होती है, ऊपर की तरफ, और एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आती है, डी थीटा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। एक काम करते हैं, इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, आर की तरफ फिंगर करते हैं, कर्ल कहां पे करेंगे, ऊपर की तरफ, राइट हैंड फिंगर्स को इधर को अलाइन करेंगे, कर्ल करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि डी थीटा है अपवर्ड,
आपका राइट हैंड थंब किधर आएगा, सोचो, आपका राइट हैंड थंब नीचे की तरफ आएगा, जबकि हमारा रिलेशन क्या है, आवर रिलेशन इज दिस, और ये रिलेशन सही नहीं आ रहा है, ये गलत आ रहा है। गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि आर क्रॉस डी थीटा की डायरेक्शन, बेटा ध्यान से समझो, आर क्रॉस डी थीटा की डायरेक्शन कहां पे आ रही है, मैं पूरा लिखवा देता हूं। अकॉर्डिंग टू, और बच्चे नोट्स प्रॉपर बनाते रहो आप लोग, ठीक है, मैं पीडीएफ देने के फेवर में नहीं होता, उसका कारण है अगर मैं पीडीएफ दे देता हूं तो बच्चे मेहनत कम करते हैं। आई वॉन्ट कि आप लेक्चर देख के खुद अपने नोट्स बनाओ, इतने अच्छे नोट्स बनाओ कि जो मैंने लिखा उससे भी अच्छा लिखते जाओ, बिकॉज आई एम स्पीकिंग एवरीथिंग, मैं अपने खुद से बहुत सारी चीजें बोलते जा रहा हूँ, आप उनको सुन सुन के पॉज करके नोट्स अच्छे से बनाओ, ज्यादा फायदा होगा। सो देखो, अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम, अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम, डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस डी थीटा इज किधर को आएगा बेटा, इज डाउनसाइड, डाउनसाइड का मतलब इधर आएगा, इस तरफ आएगा, देखो आर क्रॉस डी थीटा की डायरेक्शन देखो इधर आएगा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ, अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस डी थीटा इज डाउनसाइड, डाउनसाइड। अब यहां पे डाउनसाइड का मतलब ना ये नहीं है कि इसके अंदर की तरफ होगा, इसके अंदर की बात नहीं कर रहा मैं, अगर हम इसको अपवर्ड बोल रहे हैं तो ये डाउनवर्ड इधर को आ रहा है, ठीक हो गया। या फिर ऐसा करते हैं, हम इनको नंबर देते हैं, इसको वन बोला, इसको टू बोला, इसको मैं थ्री बोल देता हूं, है ना, सही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस डी थीटा इज, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपसाइड डाउनसाइड में आप डाउट में आ सकते हैं, इज अलोंग वन टू थ्री, एक से तीन की तरफ डायरेक्शन होगी, बट सच ये है कि डीएस की डायरेक्शन होनी कहां चाहिए, डीएस की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए बस, बट इस डायग्राम के इस वाले रिलेशन के हिसाब से कहां पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, क्लियर। तो तुम क्या क्या देखोगे, इन गिवन सिचुएशन, इन गिवन सिचुएशन डीएस हैज डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2, so relation is wrong, क्या समझ में आया, देखो जो रिलेशन हमारे सामने लिखा है, कौन सा रिलेशन लिखा है, ds vector is equal to r cross d theta, हम लोगों को लगा था ये बिल्कुल सही रिलेशन है, लेकिन ये गड़बड़ हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि r cross d theta की डायरेक्शन आ रही है डाउन साइड, और सच में ds कहां पे, अप साइड, बात नहीं मैंने, ये काम खराब हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, इज रॉन्ग, तो फिर रिलेशन क्या आएगा, हमें हम लोग को लगता है कि रिलेशन फिर शायद ही आना चाहिए, ये चेक करें, ये कैसे आएगा, ये सर्कल, दिस इज पार्टिकल, पार्टिकल पहुंच गया यहां तक टू पे, हम टर्न हो गए ऐसे डी थीटा से, डी थीटा की डायरेक्शन कहां पे आ रही है, अपसाइड, आर की डायरेक्शन कहां पे आ रही है, इस तरफ, और डीएस की डायरेक्शन कहां पे आ रही है, इस तरफ, चेक करें d थीटा क्रॉस r कैसे निकालोगे, पहले अपनी राइट हैंड फिंगर्स को d थीटा की तरफ करो, d थीटा की तरफ करने का मतलब अपनी फिंगर्स को ऊपर की तरफ उठाओ, कॉपी पे अपने हाथ को रखो और फिंगर्स को ऊपर की तरफ उठाओ, आसमान की तरफ, कारण जो जो d थीटा है वो एक्सिस की तरफ है, एक्सिस कहां पे, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब अपनी फिंगर्स को करोगे ऊपर की तरफ, और कर्ल कहां पे करोगे, इसकी तरफ, तो जब तुम अपनी फिंगर्स को ऊपर उठा के इसकी तरफ कर्ल करोगे तो तुम्हारा राइट हैंड थंब इसकी तरफ आएगा, ये बिल्कुल सही रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब ये सही रिलेशन है, ऊपर वाला रिलेशन रॉन्ग आ रहा था, मतलब ds इक्वल टू r क्रॉस d थीटा नहीं होगा, दोबारा मैं लिख देता हूं जिससे आपको बिल्कुल ना भूले, ds इक्वल टू r क्रॉस d थीटा नहीं होगा, ये गलत है, बट ds इक्वल टू d थीटा क्रॉस r आएगा, ये बिल्कुल सही है, मैं आपको ये समझाने की ट्राई कर रहा हूं, क्लियर। कुछ और बातें समझाता हूं आपको, ये तो शायद समझ में आ गया कि ये स्केलर रिलेशन है और ये वेक्टर रिलेशन है और क्यों है, तो इस वाले पेज से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे ये बोला कि आप इमेजिन करो कि ये हमारा घर है, जी फॉर घर, और हमारा घर सिटी के बीचों बीच में है, और हमारे घर के चारों तरफ से रिंग रोड निकलता है, रिंग रोड होता है काफी बड़ा सा रोड जो जनरली सिटी के आउटस्कर्ट से निकलता है, ये रिंग रोड है, ठीक है। मैं यहां पे बैठा था
और मेरा फ्रेंड अपनी कार लेके रिंग रोड से जा रहा था, यहाँ पे उसकी कार है, वो रिंग रोड से जा रहा है, और मैं, मेरे पास उसकी लोकेशन रिफ्लेक्ट हो रही कि वो कहाँ पे है। सो समबडी आस्क कि यार तुम्हारा फ्रेंड इस टाइम कहाँ पे है। तो जब मैं यहाँ बैठा होता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, अपनी फिंगर करूंगा ऐसे, मैं बोलूंगा देखो यार वहां बहुत दूर, टेलीस्कोप लगा के देखो क्योंकि वो तो बहुत दूर है, लेकिन वो किधर है, वो इस तरफ है। किसी ने कहा बहुत अच्छा, कुछ देर के बाद तो मेरा फ्रेंड चलते चलते यहाँ पे आ गया। अब मैं उसको कैसे बोलूंगा, सेम जगह पे कि डिफरेंट जगह पे? तो मैं बोलूंगा अभी वो डिफरेंट जगह पे, अभी कहाँ पे है, वो यहाँ पे। तो अगर हम सर्कल की जनरल थ्योरी के हिसाब से बोलते हैं, सर्कल के जनरल थ्योरी के हिसाब से ये हमेशा रेडियस 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 रेडियस। लेकिन जब हम मोशन की बात करते हैं, क्योंकि कोई बॉडी मूव हो रही है, तो हम रेडियस अकेले में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसमें भी इंटरेस्टेड हैं कि कार मेरे घर से कितना दूर है, वो रेडियस के बराबर है, बट कौन से डायरेक्शन में है। तो जब मैं डायरेक्शन बोलूंगा तो केवल इसको आर नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इफ आई एम विलिंग टू लोकेट दिस कार इट्स एक्चुअल पोजीशन, हम बताना चाहते हैं कि इसकी एक्चुअल पोजीशन कहां पे है, देन वी हैव टू मेंशन बोथ द थिंग्स कि वो कितना दूर है और कौन से डायरेक्शन में है। जब तुम दूर और डायरेक्शन दोनों बातें करोगे तो तुम्हें वेक्टर बोलना पड़ेगा। दिस वेक्टर इंक्लूड्स बोथ द थिंग, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कल, देन वी हैव टू लोकेट इट्स एक्चुअल पोजीशन, एंड दैट कैन बी लोकेटेड बाय इंडिकेटिंग अ वेक्टर। सो दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी। क्लियर है? इसलिए हमें इसको वेक्टर यूज करना पड़ा है। डन हो गया। दूसरी बात मैंने आपको समझाई कि अगर इस वाले रिलेशन में जब हम बात कर रहे हो ds का रिलेशन, d थीटा का रिलेशन, अगर इस रिलेशन में r एक वेक्टर क्वांटिटी को बोल दिया मैंने अभी अभी, जो पहले कभी नहीं बोला था, ds को हम वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं, सारी क्वांटिटी वेक्टर होंगी तो हमें d थीटा को भी वेक्टर क्वांटिटी बोलना चाहिए। सो जब हमारे दिमाग में सबसे पहले, जिसने ये मैथमेटिक्स बनाई होगी उसके दिमाग में जब सबसे पहले डाउट आया होगा कि d थीटा को वेक्टर क्वांटिटी बोलें, तो वो d थीटा किधर को होगा, क्योंकि d थीटा की फैमिली डिफरेंट है। फैमिली का मतलब r क्या चीज है, डिस्टेंस, v क्या होता है, वेलोसिटी, a क्या होता है, एक्सेलरेशन। इन सारी क्वांटिटीज को बोलते हैं लीनियर क्वांटिटीज। लीनियर मतलब हम यहां से यहां जा रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट बदलता है तो वेलोसिटी आती है, अगर वेलोसिटी बदलती है तो एक्सेलरेशन आता है। लेकिन जो एंगल है वो बिल्कुल अलग क्वांटिटी है, एंगल को हम पोजीशन से डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको नाम दिया एंगुलर क्वांटिटी। इसीलिए किसी समझाने वाले इंसान ने बोला कि सारी एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन हम इस वाले प्लेन में नहीं रखते। इस वाले प्लेन में कौन कौन होगा, इस वाले प्लेन में होगी पार्टिकल की वेलोसिटी, इस वाले प्लेन में होगा पार्टिकल का एक्सेलरेशन, इस प्लेन में होगा पार्टिकल की पोजीशन। तो फिर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस प्लेन में तो नहीं होगा, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि वो आउट ऑफ द प्लेन प्लेस कर देते हैं। इसलिए क्या करा हम लोगों ने कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आउट ऑफ द प्लेन प्लेस कर दिया। तो किसी ने सजेस्ट करा कि वी कैन मेक अ कंसेप्ट कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो थीटा की डायरेक्शन को हम एक्सिस की तरफ ले लेते हैं, एंड वेयर इज एक्सिस, एक्सिस इस तरफ है, तो डी थीटा की डायरेक्शन ऐसे केस में ऊपर की तरफ होगी। हाँ, लेकिन अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता उल्टे साइड, तो डी थीटा की डायरेक्शन कहां पे होती, नीचे की तरफ होती। उस हिसाब से हमें तीन बातें पता चली, दिस इज पोजीशन वेक्टर, सॉरी दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर, और ऊपर की तरफ होगा डी थीटा वेक्टर। तो हमें अच्छे से मालूम है जब किसी एक रिलेशन में तीनों वेक्टर होते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर है, एंगल भी वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो ऐसे वाले प्रोडक्ट को हम कभी भी डॉट प्रोडक्ट नहीं बोलते, बट क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो हम आर क्रॉस डी थीटा बोल सकते हैं, या हम डी थीटा क्रॉस आर बोल सकते हैं, या हम डी थीटा क्रॉस आर बोल सकते हैं। कौन सा बोलेंगे हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कैलकुलेट करके देखते हैं। जब हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, इस वाले को कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे करेंगे, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले राइट हैंड फिंगर्स को आर की तरफ करेंगे, डी थीटा कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो फिंगर्स को कहाँ पे कर्ल करेंगे, ऊपर की तरफ। थंब कहाँ पे आएगा, थंब आएगा नीचे की तरफ, और ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा, ये डीएस की डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर हो गया? लेकिन वो डीएस की डायरेक्शन तो ऊपर है हमारे हिसाब से, और ये तो नीचे की तरफ बता रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर हम इसको उल्टा कर देते हैं, नाउ वी कंसीडर्ड कि हम इसको चेक करके देखते हैं, इस वाले को क्या ये सही है कि गलत है। तो क्या करेंगे, इस वाले डायग्राम के हिसाब से डी थीटा ऊपर की तरफ होगा, आर वेक्टर इधर होगा, तो डी थीटा इस वाले रिलेशन के हिसाब से अपनी फिंगर्स को ऊपर की तरफ करते हैं, राइट हैंड फिंगर्स को,
और इसकी तरफ कर्ल करते हैं, जब तुम इसकी तरफ कर्ल करोगे तो तुम्हारा थंब कहाँ पे आएगा, थंब इधर को आएगा, और इधर आने का मतलब हुआ वो इसके डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब ये रिलेशन बिल्कुल सही हो जाता है। सो वी हैव ds इक्वल टू d थीटा क्रॉस r वेक्टर, क्लियर हो गया, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अच्छा अगर हम दोबारा से देखें, हमारे पास रिलेशन आया ds इक्वल टू d थीटा क्रॉस r, अगर हम ds का मैग्नीट्यूड निकालें, ds का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो क्या आएगा बेटा, सर्कुलर मोशन के हिसाब से देखो, ये तो r वेक्टर है और d थीटा वेक्टर कहां पे आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये ds वेक्टर है। देखा जाए तो d थीटा और r के बीच में कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि d थीटा वर्टिकली अप आएगा और r यहां पे होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, d थीटा, ऐसे बोलते हैं ना a क्रॉस b, a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है, मॉड a मॉड b साइन 90, ऐसे आएगा ना। तो यहां से जो ds का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा d थीटा इनटू r, ये हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और इस वाले रिलेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, इस वाले में हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया। सो ये है रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, राइट। दोबारा से लिख देता हूं एक बार, मैं बार बार लिख रहा हूं सो दैट आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। तो वी हैव रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई अगर आपसे ऐसे वाला आर्टिकल पूछे कि मेरे को बताओ इसका क्या मतलब है, तो तुम बोलोगे इसका मतलब होता है ds वेक्टर इक्वल टू d थीटा वेक्टर क्रॉस r, ये रिलेशन ऐसे वाला आता है। अच्छा कुछ और बातें, आप इमेजिन करो कि एक कार है हमारे पास, एक बॉडी है, और बॉडी यहां से वहां तक भाग रही है, तो जब बॉडी राइट डायरेक्शन में चलेगी तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, और कुछ डिस्प्लेसमेंट कुछ टाइम में कवर करेगी, इसका मतलब इसके पास एक वेलोसिटी होगी। एंड हाउ डू वी डिफाइन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन थोड़ा सा टाइम। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे डिफाइन करते हैं, v वेक्टर इक्वल टू ds बाय dt, सही हो गया। दोबारा बात करते हैं, सपोज करो हमारे पास ये कोई बॉडी है और ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है, स्टार्टिंग में ये बॉडी ऐसे थी और कुछ देर बाद ये बॉडी रोटेट होके यहां तक चले जाती है और ये कुछ एंगल रोटेट कर जाती है d थीटा। जैसे ये वाली बॉडी थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही, आगे जा रही है, एज बॉडी इज कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट दैट इंडिकेट्स दैट बॉडी हैज सम वेलोसिटी। एट द सेम टाइम इफ बॉडी इज कवरिंग सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देन इट रिलेट्स दैट बॉडी हैज सम एंगुलर velocity। आप बात समझ पा रहे हैं, displacement से velocity आती है और angular displacement से angular velocity आती है। इसका मतलब हम यहाँ पे बात कर क्या कर सकते हैं, angular velocity is equal to, देखो हम लोगों ने velocity किसको बोला, displacement upon time को, तो angular velocity किसको बोलेंगे, सोचो बेटा किसको बोलेंगे angular velocity, angular velocity हम बोलेंगे angle, अगर angle थोड़ा सा है तो time भी कितना लगा होगा, थोड़ा सा। वेलोसिटी को हम किस लेटर से डिफाइन करते हैं, v से, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं ओमेगा, बेटा w नहीं है, ओमेगा कहते हैं इसको, ओमेगा इक्वल टू d थीटा अपॉन dt। एक बात समझो, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो d थीटा की जो डायरेक्शन होगी ओमेगा की डायरेक्शन भी वही होगी, और d थीटा की डायरेक्शन कहां पे आ रही है, एक्सिस की तरफ, तो ओमेगा की डायरेक्शन भी कहां पे आएगी, वो भी आएगी एक्सिस की तरफ। क्या आपको बात समझ में आ गया, तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज, हम बात कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई आपसे पूछे व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो तुम क्या बोलोगे, एंगुलर वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। कहां से निकला, यहां से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम एक और तरीके से समझा सकते हैं, ऐसे समझा सकते हैं, जब भी कभी हम किसी के साथ में d थीटा अपॉन dt कर देते हैं ना,
इसका नाम हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे भी समझा सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। क्लियर? कोई आपसे पूछे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। क्लियर हो गया? सो वी हैव दिस ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। दोनों डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहां से देखो, यहां पे मैंने बोला है एंगुलर वेलोसिटी इज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, और मैंने यहां पे क्या बोला, एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। आपको थोड़ा और समझाता हूं। जैसे कोई हमसे बोले कि केस वन, कार मूविंग स्लोली, इसका मतलब क्या बोलेंगे आप? इसका मतलब आप बोलेंगे वेलोसिटी इज व्हाट, स्मॉल। केस टू, आपने फैन देखा ना, फैन, फैन इज रनिंग स्लो। अबे रनिंग का मतलब फैन कहां पे, रोड पे रन करता है कि ऊपर वाली एक्सिस पे लटका हुआ घूम रहा होता है? ध्यान से देखो, फैन रोड पे चलता है कि गोल गोल घूम रहा होता है, ये राउंड राउंड घूम रहा होता है। देखो राउंड राउंड घूम रहा है तो क्या हो रहा है, फैन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि एंगल बदल रहा है टाइम के साथ, एंगल बदल रहा है। तो वैसे वाली वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम, सिंपल वेलोसिटी के एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर फैन स्लो स्लो चल रहा है, मतलब हमने रेगुलेटर से फैन को पॉइंट नंबर वन पे कर रखा है, सोचो तो वो टिक 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 करके धीरे धीरे चल रहा होगा, धीरे धीरे चलेगा, इसका मतलब क्या स्लो है। आप ये नहीं बोलोगे कि फैन की वेलोसिटी स्लो है, अगर फैन में वेलोसिटी होती तो वो लटका हुआ नहीं होता, वो भाग रहा होता कहीं इधर उधर भाग रहा होता, लेकिन वो एक ही जगह पे हैंग है, इसका मतलब फैन में वेलोसिटी नहीं है, फैन में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो फैन इज रनिंग स्लो, इसका मतलब इट हैज स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी। आई थिंक समझ आ गया, मैंने दो केस समझा दिया। अगर मैं केस थर्ड समझाऊं, केस थर्ड कौन सा होगा, कार इज मूविंग फास्ट। कार इज मूविंग फास्ट को क्या बोलते हैं बेटा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। इसी तरह से हम हमारे फैन को फाइव नंबर पे रेगुलेटर पे रोटेट करके हम स्टेबल कर देते हैं। सो एज वी रोटेट रेगुलेटर टिल पॉइंट नंबर फाइव, फैन इज नाउ मूविंग विद वेरी 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 फास्ट स्पीड। लेकिन जो फास्ट स्पीड है वो बेसिकली स्पीड नहीं है, क्या है वो एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि फैन का एंगल बहुत जल्दी जल्दी से बदल रहा है। आई होप आपको दोनों का मतलब समझ आ गया होगा, वेलोसिटी इज डिफरेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी इज डिफरेंट। बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। कोई हमसे पूछता है दोनों में रिलेशन, कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, तुम कह सकते हो, देखो सर हमारे पास रिलेशन था अभी डी एस इक्वल टू, याद है ये बेटा वेक्टर फॉर्म है, अगर स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा, ये वेक्टर फॉर्म है। ऐसा करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय डीटी। डीटी क्यों, क्योंकि हम बहुत थोड़े से टाइम से डिवाइड करेंगे और डीटी हमें मालूम है बहुत थोड़ा सा टाइम है, स्मॉल टाइम है। सो ये बिन क्या बनता है, फाइनली ये बन जाता है ds अपॉन dt, ds अपॉन dt इज इक्वल टू d theta अपॉन dt क्रॉस r वेक्टर। मैं होपफुल हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज दिस याद करो, व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज दिस, अभी तो पढ़ा हमने, इसको क्या बोलते हैं हम, W नहीं बोलते बेटा, W नहीं है ये, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा, ओमेगा क्रॉस R। देखो सेम रिलेशन आ रहा है ना, जैसा रिलेशन पोजीशन में आ रहा था, कहां गया पोजीशन में रिलेशन, देखो जैसा रिलेशन पोजीशन का आ रहा था एंगल के साथ, सेम रिलेशन आ रहा है वेलोसिटीज का आपस में। पहले वाले वेलोसिटी को बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी और दूसरे वाले को बोलते हैं क्या, एंगुलर वेलोसिटी। बच्चा आपको समझ में आ गया? एक और बात बताऊं, अगर हम सर्कल बनाएं यहां पे ना, देखो ये सेंटर, ये पार्टिकल
पार्टिकल किधर भाग रहा होगा, इधर को भाग रहा होगा, तो ये किसकी डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, आर की डायरेक्शन है। और ओमेगा किधर होगा बेटा, ओमेगा डायरेक्शन होगा वर्टिकली किधर, अपवर्ड, मतलब जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी, वर्टिकली अपवर्ड होगी, आर की डायरेक्शन राइट साइड में और बी की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। तुम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल के देखो ये सेटिस्फाई करेगा, ओमेगा की तरफ फिंगर करो, आर की तरफ कर्ल करो, आपका थंब वी की तरफ आएगा, ये रिलेशन आएगा। एक और बात बेटा, ओमेगा कहां पे है, ऊपर है, आर हॉरिजॉन्टली है, दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो अगर कोई हमसे पूछे कि आप इसका स्केलर रिलेशन बताओ, तो तुम बोलोगे सर वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, मॉड, तो इधर भी मॉड आ जाएगा। मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड को सॉल्व करेंगे हम, ए क्रॉस बी होता है ना, मॉड ए मॉड बी साइन 90, और जब मैंने यहाँ मॉड ले लिया तो यहाँ पे एन कैप नहीं आएगा और रिलेशन क्या आएगा, वी कैन राइट डायरेक्टली वी इक्वल टू ओमेगा आर। ये कौन सा रिलेशन है, वेक्टर रिलेशन है कि स्केलर रिलेशन है, ये स्केलर रिलेशन है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है अ बॉडी इन सर्कल हैज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड कॉमा रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 5 मीटर, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। कोई आपसे ऐसे पूछता है, अ बॉडी इन सर्कल हैज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, रेडियस ऑफ सर्कल 5 मीटर, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। आई होप समझ में आ गया। इसे देखो, यहां से आएगा ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर, व्हाट इज वी 20, व्हाट इज आर, चेक करो व्हाट इज आर, दिस इज 5, आंसर 4, 4 क्या बोलेंगे हम, यूनिट बताता हूं बेटा, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड और इसकी है मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो बेसिकली ये पर सेकेंड आना चाहिए, बट ये पर सेकेंड नहीं आएगा, ये आएगा रेडियन पर सेकेंड, ये आएगा रेडियन पर सेकेंड। कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूं, आंसर तो समझ आ गया, 4 आएगा। तो यहां पे लिखते हैं लाइन यूनिट ऑफ ओमेगा, या पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कैसे समझाओगे आप यूनिट को, तो मैं ऐसे बोलोगे कि ओमेगा इज इक्वल टू, अभी क्या देखा था हमने, डी थीटा अपॉन डी टी, याद है ना, यही तो था। न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं बेटा, रेडियन। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, जब भी एंगल साइन कॉस टेन के अंदर होता है, साथ में होता है, तो उसको हम डिग्री में लेते हैं, जब एंगल अकेला होता है तो हम उसको किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। सो न्यूमरेटर इज रेडियन और नीचे टाइम को क्या बोलेंगे हम, सेकेंड बोलेंगे। क्लियर हो गया, ये हमारी यूनिट निकल आई रेडियन पर सेकेंड, शॉर्ट में हम इसको सिंपल लिखेंगे आर ए डी अपॉन सेकेंड, ये यूनिट आ गई है। ओमेगा के कुछ और भी फॉर्मूले हैं, कुछ और भी फॉर्मूले हैं, कैसे सुनो, मान लो एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, यहां पे था वो यहां पे चला गया, यहां पे 2 पे चला गया, और वो यहां से यहां तक गया तो वो इतना एंगल घूम गया इतना, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम उसको लगा कितना, टी के बराबर। कोई बोले ओमेगा बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, सर ओमेगा होता है थीटा पॉन टी, अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो डी थीटा लिख देंगे, तो टाइम भी बहुत छोटा होगा उसको हम डी टी लिख देंगे, बट अगर एंगल बड़ा होगा तो हम उसको थीटा लिखेंगे, टाइम को क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। चलो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात सोचो, जब ये पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, यहां से चला चलते 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 कहां पहुंच गया, यहीं पे पहुंच गया, तो तुम क्या बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो कि कंप्लीट सर्कल हो गया। कंप्लीट सर्कल का मतलब एंगल कितना हो गया, याद करो एंगल होता है 2 पाई। मैंने आपसे क्या बोला, डिग्रीज में नहीं कंसीडर करना, डिग्रीज में करोगे तो जो पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री, बट हम यहाँ पे डिग्री की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल इन रेडियन। सो व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट रीचेस टू द सेम पॉइंट इट कंप्लीट्स एंगल 2 पाई रेडियन, एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक, ऐसे वाले टाइम को हम टाइम बोलते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया कहानी है, ऐसे वाले टाइम को हम टाइम बोलते हैं और ऐसे वाले टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। पता है ना आपको बेटा, हम जहां से चले थे वहीं पे आ गए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टाइम पीरियड। इसका मतलब ऐसे वाले केस में
इन दिस पर्टिकुलर केस वी से टाइम इक्वल टू व्हाट टाइम पीरियड, और जनरली हम इसको कैपिटल टी से डिफाइन करते हैं। मैं आपको फिर समझाता हूं ये क्या चीज है। ये है पार्शियल सर्कल, ये पार्शियल सर्कल का आर्टिकल है, और ये क्या चीज है, ये है कंप्लीट सर्कल। बेटा क्लियर हुआ? जब पार्टिकल पार्शियल सर्कल में चलता है तो ओमेगा को डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे, और जब पार्टिकल कंप्लीट सर्कल कवर करता है तो कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल को बोलते हैं 2π, टी होता है टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 2π डिवाइडेड बाय टी। क्लियर हो गया? तो ओमेगा का फॉर्मूला ऐसे भी है। एक बात आपको शायद याद होगी, कभी बहुत आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी। बेटा याद करो, फ्रीक्वेंसी मैं न्यू से डिफाइन करता हूं, ये शायद 1/ टाइम पीरियड होती थी, अगर आपको याद हो ध्यान करो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, कुछ ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी होती थी, टाइम पीरियड होता था, पुरानी बातें शायद याद आ रही। सो वी हैव दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड, अगर ऐसा कुछ कहेंगे तो ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां न्यू को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या आ गया, ओमेगा का फॉर्मूला आ गया थीटा अपॉन टी, वी कैन राइट डी थीटा अपॉन डी टी, वी कैन राइट 2π बाय टी, वी कैन राइट 2π इंटू न्यू, वी कैन राइट ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर, ओमेगा इक्वल टू, एक काम करो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हम कब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी। समझ में आ गया आपको? मान लो टाइम पीरियड दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी दिया तो ये वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी एंड आर दिया तो ये वाला फॉर्मूला, एंड सो इट वॉज कंप्लीट अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच बेटा, बच्चों थैंक यू, बाय बाय।